नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ हूँ। और जैसा आपको हमने पहले बताया है, उसी तरीके से कुछ किसानों का जो संगठन था वो उसी काफिले में और जुड़ गया है और गाजे बाजे के साथ अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में तिरंगा लहराते युवा आगे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ। ये आप देख सकते हैं किस उत्साह से गाजे बाजे के साथ नगाड़ा बजाते हुए युवा आगे बढ़ रहे हैं। और इधर जो जूम आपको देखने को मिलेगा, ताली थाली नगाड़े बजाकर मोदी सरकार को जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, अद्भुत। किसान आंदोलन में आज जो कुछ देखने को मिल रहा है अद्भुत। आप देख रहे हैं अमरा राम, पूर्व विधायक जो कॉमरेड नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये अखिल भारतीय किसान सभा के किसान एक मार्च और इतनी भारी संख्या में भीड़। आप किसानों के उत्साह और हुजूम को देखकर लगता है मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जब मोदी सरकार कह रही है कि कुछ चंद किसान, जबकि यहाँ देखने पे ये लगता है कि हजारों हजार संख्या में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान मौजूद है। और इसके अलावा टिगरी सिंगू बॉर्डर, गाजियाबाद और दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने बड़ी संख्या में घेर रखा है। जितने सभा स्थल तक जाएगा सारे साथियों से निवेदन है, जो भी संघों में है वो विरोध प्रदर्शन में आए, टाइम निकाल कर सभा स्थल तक पहुंचे और संघ की बात का विरोध प्रदर्शन है। जो भी भाई है संघों में तालियों में वो विरोध प्रदर्शन। सभी किसान जो आपको पहले हमने दिखाया है, उसके बाद वापस धरना स्थल के कैंपस से घूमकर दूसरी साइड की जो रोड है उससे होते हुए धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहां जाके अब आम सभा होगी जिसमें किसान नेता किसान अपनी बात रखेंगे और ऐसा ही कुछ यहाँ पूरे दिन भर चलता है। चलो आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या किस तरीके से ये धरना स्थल तक पहुँचते हैं और धरना स्थल पर लोग बाग अपनी किस तरीके से क्या क्या बातें रखते हैं। आज विरोध प्रदर्शन है, आप सारे साथी ताली तंत्रों से निकल के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। सारे किसान भाइयों से है कि वो 15-20 मिनट का टाइम निकाल के सभा स्थल तक पहुंचे, बाकी का काम बाद में कर लें।
रहता है, जिंदा हो।